हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनी सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड को डिस्कस करने का मेन रीजन यहाँ पर यह है कि कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। कंपनी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और इस तरीके की कंपनियां जहाँ इंडिया में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिस तरीके का इंडिया में पॉपुलेशन है, तो इस तरह की कंपनी को आगे आने वाले टाइम पे ग्रो होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। जब मैं इस तरह से किसी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ वीडियो लेकर, तो मेरा यहाँ पर किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली थ्री पॉइंट्स पे कंपनी को डिस्कस करेंगे। कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स यानी कंपनी की बैलेंस शीट क्या कह रही है, और कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, यानी कि कंपनी का आगे आने वाले टाइम पे कैसा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रह सकता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक बार यहाँ पर मैंने screener.in पर सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड एक ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट टेलीविजन कंपनी है, यानी कि इनके सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं जो कि काफी ज्यादा पॉपुलरली टीवी पर वॉच किए जाते हैं। इनका रेडियो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी है और ये बेसिकली अभी तक साउथ इंडिया पे ही इनका डोमिनेंस रहा है। मार्केट इन्होंने इनका साउथ इंडिया पर ही रहा है, बट अभी यहाँ पर एक डिटेल दे रखी है कि इन्होंने अपना जो मार्केट है वो नॉर्थ इंडिया पे भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। तो इनका जो बेसिक हाइलाइट्स यहाँ पर मेंशन है कि यह एशिया का लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क है। जब इस तरीके के कोई बिजनेस अपने आप में एक लार्जेस्ट कैटेगरी में आता है, तो उसका ग्रो होने का, उसका डोमिनेंस का बहुत ही अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज होती है। और ये एक एस्टेब्लिश बिजनेसमैन कलानिधि मारन की कंपनी है, 1993 में फॉर्म हुई थी। और यह इससे पहले जब ये साउथ इंडिया में इनकी प्रेजेंस थी, इनके 32 टीवी चैनल्स थे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड बंगाली में। जब ये नॉर्थ इंडिया में भी अब अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इनके चैनल्स की संख्या 43 टीवी चैनल्स हो गए हैं। तो जब कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है और आगे आने वाले टाइम पे अपने अपने जो इनका बेसिक वर्क है उसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं, तो इनका शेयर प्राइस का, इनका मार्केट का ग्रो होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अब एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है। उसके पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट पर भी लेकर लेकर चल रहा हूँ कि जो सन टीवी नेटवर्क की वेबसाइट है, यहाँ मैंने इसकी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, suntvnetwork.in। आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ इनके जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, मराठी, ये डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स दे रखे हैं कि इनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनके चैनल्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका न्यूज न्यूज का भी बेसिकली काफी अच्छा ये दे रखा है। इनके टीवी शोज हैं, तो इस तरीके के चैनल्स, इस तरीके के टीवी शोज जैसे आप ये देख रहे हैं, तमिल में इनके डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स दे रखे हैं, तेलुगु में है, मलयालम है, कन्नड़ा में है, और म्यूजिक बेस्ड कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। तो जब इंडिया का जिस तरीके से एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जहाँ पर लोग टीवी टीवी जैसी चीजें काफी देखते हैं, तो इस तरीके बिजनेस को आगे आने वाले टाइम पे भी ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज लगातार रहेगी। पहले भी लोग टीवी देखते थे, अभी भी देखते हैं और आगे आने वाले टाइम पे भी देखेंगे। तो इनके बिजनेस में एज सच कोई गिरावट नहीं होने की उम्मीद है और आगे आने वाले टाइम पे ये और भी ग्रो कर सकता है। अगर हम इनके एक बार फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ का, यानी ये मिड कैप टाइप कंपनी है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 519 रुपए पे है और कंपनी अभी अपने 52 वीक हाई से भी काफी नीचे प्राइस पे ट्रेड कर रही है। अगर हम स्टॉक पी की बात करें, जो कि सिर्फ 11 का स्टॉक पी है, तो ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। कंपनी का आरओसी 29.1 है, आरओई 21.6 है। जब किसी भी कंपनी का आरओसी और आरओई लगभग 25 या 30 के आसपास होता है, तो ये अपने आप में बहुत ही कमाल की बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। और कंपनी अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रही है, तो यहाँ पर काफी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। यहाँ मैंने इसका एक पी रेशियो का ग्राफ को ओपन किया हुआ है, यानी कि कंपनी का जो मीडियन पी है 21.6 है और जो कंपनी का अभी का पी है 11.5 है, यानी कि कंपनी अपने मीडियन पी के लगभग लगभग हाफ पी पर ट्रेड कर रही है। तो जब इतने सस्ते वैल्यूएशन पर कोई बहुत ही अच्छी कंपनी अवेलेबल हो, तो हमें उसमें जरूर ट्रेड लेना चाहिए। बट यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। कंपनी के प्रोस दे रखे हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है,
उसको हम अभी बैलेंस शीट पर भी चेक कर लेंगे। एक बार हम इनका क्वार्टर रिजल्ट को देख लेते हैं कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट क्या कह रहा है। तो अभी इनका जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था, 1219 करोड़ की सेल्स थी और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 770 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। यानी कि बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि पिछले 2019 का जो डेटा यहाँ पर दे रखा है उस हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी का। एक बार हम इनके नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। जून 2019 में इनका नेट प्रॉफिट 387 करोड़ था, जो बढ़कर जून 2022 में 494 करोड़। यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस लास्ट जून क्वार्टर में पोस्ट किया हुआ है। और अगर हम इनका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे भी एक बार चेक कर लें, तो यहाँ पर मार्च 2011 से डेटा दे रखा है। मार्च 2011 में इनकी सेल्स 2000 करोड़ की थी, जो कि अभी बढ़कर 3985, यानी कि कंपनी की सेल्स लगभग डबल के अप्रोक्स पहुंच गई है। अभी 10 साल पे कंपनी ने अपनी सेल्स को डबल किया हुआ है। हो सकता है बीच में कुछ इश्यूज रहे हो इस कंपनी में, जिससे ये अपनी सेल्स को उतना एग्रेसिवली नहीं बढ़ा पाए, बट पिछले 1-2 साल से कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट को देख लें, तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2011 में 764 करोड़ का था, अभी लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ में 1771 करोड़ का। यानी कि कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में भी लगातार इजाफा किया है। तो इस तरीके की कंपनीज काफी अच्छा ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज है और लगातार ग्रो कर रही है, वो इनके रिजल्ट में साफ दिख रहा है। अगर हम इनके रिटर्न ऑन इक्विटी जो 10 साल का देखें, तो 24% का आरओई जनरेट करके दिया इन्होंने लगातार 10 साल पे। तो ये अपने आप में कमाल की बात है इस तरह की कंपनीज के लिए। अगर हम इनके रिजर्व की बात करें, मार्च 2011 में इनका रिजर्व 2000 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 7958 करोड़, यानी कि लगभग 8000 करोड़ के आसपास इनका रिजर्व पहुंच गया है। और ये अपनी CWIP यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी लगातार इजाफा कर रहे हैं। और अभी जो इनका 244 करोड़ इन्होंने CWIP पे, यानी कि नए प्लांट मशीनरी इस तरीके के अपने सेटअप पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, काफी अच्छा मतलब इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखें, तो इनका जितना भी पैसा ये कमाते हैं वो इनकी बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी प्लस में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर हम इनके डेप्टर डेज को देखें, तो कंपनी ने इसमें भी इम्प्रूवमेंट किया है अपने लास्ट ईयर पे से। एक बार हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, तो इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगातार 75% मेंटेन होके रखी हुई है। आप अगर इनके प्रमोटर्स को देखें, तो कला निधि मारन जो कि इस कंपनी के MD हैं और जो चीफ है कंपनी के, उनके पास ही 75% की होल्डिंग है। अगर FIIs की बात करें, जो सितंबर 19 में 8.53 था, अभी बीच में FIIs ने अपने से अपने स्टेक को थोड़ा सेल किया था, बट उसके बाद से जब से कंपनी के फाइनेंशियल और इम्प्रूव हुए, FIIs ने लगातार बाइंग की है। और अभी जून क्वार्टर्स में FIIs की होल्डिंग 9.32% थी। इसी तरह से DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी पहले 8% के आसपास थे, उसके बाद इन्होंने अपना स्टेक सेल किया था, और जब से फाइनेंशियल्स और ज्यादा इंप्रूव हुए, DIIs ने भी लगातार अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया। DIIs एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको अर्ली प्रेडिक्टर्स भी कहा जाता है, यानी कि किसी भी कंपनी में ये बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं कि कैसा उनका फाइनेंशियल इंप्रूव हो रहा है, तो अपनी होल्डिंग को भी लगातार ये बढ़ाते चले जाते हैं। अगर हम रिटेल पब्लिक की बात करें, तो रिटेल पब्लिक ने इनके फाइनेंशियल इंप्रूव होने के बाद रिटेल पब्लिक की होल्डिंग्स काफी डाउन हुई, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। बट जहाँ पर FIIs, DIIs और प्रमोटर्स इंटैक्ट हो, उस तरह की कंपनीज में बने रहना अपने आप में समझदारी की बात होती है। अगर हम इनके एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे इन ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है, जहाँ पर मैंने SNTV नेटवर्क लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी कंपनी 518 रुपए के प्राइस के पे ट्रेड कर रही है। एक बार हम इनका पूरा लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी लगभग एक ही चैनल पे कंपनी ने ट्रेड किया है पिछले कई सालों से। अगर हम इसको देखें, बीच में कंपनी ऊपर भी गई थी, बट उसके बाद से एक ही चैनल पे ट्रेड हो रहा है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ये लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है।
कंपनी जो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 518, कंपनी ने इस प्राइस पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस को शो किया। आप देख सकते हैं कि 2011 के आसपास भी, 2011 के आसपास भी कंपनी इसी प्राइस पे ट्रेड कर रही थी, और उसके बाद से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आई, फिर लगभग उसी प्राइस के आसपास फिर ये एक चैनल पे ट्रेड हुआ। उसके बाद से कंपनी ने फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गई फिर से। फिर जब ये दो तीन बार सेम रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड की तो ये सपोर्ट का काम किया, उसके बाद कंपनी ने लगातार ऊपर जाना शुरू किया, और इसने इसके बाद से हाई भी बनाया, मैक्सिमम हाई भी बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग ये 100% के अप्रोक्स पे जंप भी किया था कंपनी ने इसके बाद से। और कंपनी अभी भी लगभग उसी प्राइस पे ही बार बार ट्रेड कर रही है, तो मल्टीपल जो इसके रेजिस्टेंस थे वहां पे अभी सपोर्ट लेना शुरू किया है, और अभी भी ये ऑल टाइम सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रही है। अगर हम इसका एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देख लें तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा कप विथ हैंडल पैटर्न मेंटेन हो रहा है। अगर हम इस कप विथ हैंडल पैटर्न की विड्थ को प्लॉट कर ले, तो जो इसका शॉर्ट टर्म गेन निकल के आ रहा है, अगर हम उसको करंट प्राइस से कंपेयर करें, जो करंट प्राइस 518 चल रहा है, तो लगभग 31% के अप्रोक्स गेन है, यानी कि ये 682 तक जा सकता है। यहाँ पर ये सिर्फ एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, मार्केट के हिसाब से इस तरीके के टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो डेवलप होते हैं वो काफी मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो इसी तरह से बिहेव करते हैं। बट यह शेयर मार्केट है, यहाँ पर कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, यानी कि इसमें वॉलेटिलिटी पार्ट है शेयर मार्केट का, और इसके थ्रू ही ग्रो होकर जाना होता है। अगर हमें अच्छा खासा पैसा या अच्छा खासा रिटर्न अचीव करना होता है, तो अगर मेरा लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम देखें कि जो लॉन्ग टर्म इसका मैक्सिमम कहाँ तक ये जा सकता है, तो जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस लगातार इम्प्रूव हुआ है, उसके फाइनेंशियल्स इम्प्रूव हुए हैं, अगर हम करंट प्राइस से इसको देखें तो 1100 के आसपास, यानी कि 112% का गेन निकल कर आ रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 112% का गेन अगर हमें 2 साल पे भी, किसी 2 या 3 साल पे भी किसी कंपनी में मिल जाता है जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जो एक अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो इस तरीके की कंपनी में बने रहना है। बट यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मैं इस तरीके के कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं।